गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपनी कक्षा 10 की मैथल कर रहे हैं और इसमें 15वीं जो प्रश्नावली है अपनी प्रायिकता, इसके जो बेसिक जानकारी है प्रायिकता क्या होती है और उनके क्वेश्चनों को कैसे हल किया जा सकता है इसके बारे में अपने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्नावली है, वो अपने शुरू कर रहे हैं। तो देखो क्या है आपका पहला क्वेश्चन, उसको देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। मैंने आपको ये बताया था कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, एक थैले वाले में समझाया था कि हरी गेंद आने की और हरी गेंद नहीं आने की दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, वो तो मैंने आपको समझाया था कि उसमें उस एक ही क्वेश्चन में एक के घटना उसी के घटित होने और उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता फिर क्या होगी, उसकी प्रायिकता जीरो होगी। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होगी, जीरो होगी। और उसी ऐसी घटना को क्या कहेंगे, असंभव घटना। क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। और उस घटना की प्रायिकता जो निश्चित है, जो निश्चित है, पूरा श्योर है कि यही होगा, निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक होगी। और ऐसी घटना को भी क्या कहेंगे, निश्चित घटना। जो घटित नहीं हो सकती उसकी जीरो और उसे असंभव, जो घटित होगी ही होगी, निश्चित है, उसकी वैल्यू एक। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित कहलाती है। और किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। कि एक ही मतलब आपका हाईएस्ट जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वो एक होती है। एक प्रयोग में जितने भी मतलब थैले में सिक्के की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, उसमें जितनी भी घटनाएं घटित होती है सभी की घटित होने के जो योग है वो कितना होगा, एक होगा। किसी घटना की प्रायिकता जीरो से तो बड़ी होती है, मैंने भी बताया था आपको पहले वाली वीडियो में कि जो घटना का स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और हाईएस्ट जो वैल्यू होगी एक होगी, एक से ज़्यादा छोटी होगी या बराबर हो सकती है। या तो असंभव घटना है तो कितनी होगी, जीरो। निश्चित घटना है तो कितनी होगी, एक। और यदि बीच वाली है तो उनके बीच में वैल्यू आएगी। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो से तो बड़ी होती है चाहे इसके बराबर, तथा एक से छोटी होती है या फिर इसके बराबर होती है। ये तो था आपका पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किन किन प्रयोगों के जो परिणाम हैं वो समप्रायिक हैं। समप्रायिक का अर्थ है कि उसी घटना के होने के जो चांस हैं वो 50-50 हैं, कि वो घटना घटित हो भी सकती है और वह घटना घटित नहीं भी हो सकती। मतलब दोनों चांस क्या हैं, उसके बराबर हैं। अब देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो जब वो प्रारंभ कर रहा है, चलाने का प्रयत्न कर रहा है, ज़्यादा चलेगी या नहीं चलेगी, जब प्रयत्न कर रहा है तो चलेगी, मतलब ज़्यादा चांस चलने के बन रही हैं अपने। 50-50 तो नहीं कह सकते कि वो चलेगी भी नहीं भी चलेगी, भी चलाने का प्रयत्न कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कार चलने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, चलने के जो चांस है वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। इसी प्रकार एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में डाल भी पाती है या नहीं। प्रयत्न कर रही है डालने का, मतलब उसका ज़्यादा ध्यान तो यही है कि वो डाले ही डाले, ये तो नहीं है कि वो ना डाले, कि दोनों चांस 50-50 हैं उसके दिमाग में, मतलब वो प्रयत्न कर रही है इस चीज़ का। तो इसको अपने वो समप्रायिक घटना नहीं कह सकते। समप्रायिक घटना का अर्थ क्या होता है, कि ऐसी घटनाएं जिन दोनों तरफ उसके चांस हैं वो आधे आधे हैं, कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ उसके चांस ज़्यादा नहीं बन रहे, दोनों तरफ उसके चांस क्या हैं, आधे आधे नहीं हैं, तो फिर वो समप्रायिक घटना नहीं है। जब दोनों तरफ चांस आधे आधे होंगे तब ही वो घटना क्या होगी, समप्रायिक होगी। अब देखो, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है।
कि फिर अब कोई है क्या आपको पता नहीं है अभी क्वेश्चन क्या, आपको पहले ये कहा कि इसका सत्य या असत्य बताना है, आपके सामने भी क्वेश्चन नहीं आया, तो दोनों चांस 50-50 हैं, कोई एक तरफ ज़्यादा नहीं हो सकता। अपने बिना क्वेश्चन को देखे पढ़ने के बाद ही बताएंगे कि वो सत्य है या असत्य, एक ही चीज़ होगी, मतलब एक तरफ वो ज़्यादा चांस उसका नहीं बन रहा। तो ऐसी घटना क्या होती है, समप्रायिक घटना होती है। इसी प्रकार देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, इसके भी चांस 50-50 होते हैं, भी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ऐसे थोड़ा है कि लड़का होने के चांस ज़्यादा हैं, ऐसा कभी भी अपने पहले नहीं कह सकते कि जो कोई भी लड़का भी हो लड़की भी हो, दोनों तरफ इसके जो चांस हैं दोनों में आधे आधे बराबर बराबर हैं। तो ये दोनों घटनाएँ क्या हैं, समप्रायिक घटनाएं हैं। समप्रायिक घटनाएं किसे कहते हैं, जिसमें उनके जो चांस हैं वो दोनों तरफ आते आते हों, अपने पहले से एक ही तरफ के जो चांस ज़्यादा बढ़े हुए अपने नहीं कह सकते। इसके बाद देखो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखो वही बात जो अब तक अपने कर रहे थे कि न्याय संगत विधि कि एक प्रकार का टॉस कहते हैं इसको, भी टॉस करते हैं, एक सिक्के को उछाले हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों तरफ इसके चांस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सम प्रायिक घटनाएं हैं कि 50-50 चांस है कि जिसी कोई भी टॉस जीत सकता है, पहले से श्योर नहीं कह सकते कि यही टीम जीतेगी, कि एक न्याय संगत विधि है क्योंकि ये सम प्रायिक घटनाएं हैं कि दोनों तरफ चांस बन सकते हैं, दोनों टीमों को होता है कि हाँ पहले हम खेल सकते हैं, हम पहले खेल सकते हैं, बाकी तो फिर वो टॉस के बाद ही निर्णय लेते हैं। कैसे है? सभी को पता है कैसे होता है कि किसी भी चीज़ से टॉस करते हैं, उसके दो साइड चुनने के लिए एक टीम को कहते हैं भी तू चुन और तेरा क्या है, तेरा क्या, जो आता है जिसका जो बोला आता है, फिर जो वो जैसा चाहे वैसा ही होता है। टॉस जीतने के बाद भी यदि वो दूसरी टीम को खिलाना चाहता है पहले, तो दूसरी टीम ही पहले खेलेगी, तो ये एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जब अपने प्रायिकता के बारे में समझा जाना, पहले वाली वीडियो में भी, अभी पहले क्वेश्चन में भी यह बात क्लियर हुई है कि प्रायिकता की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में होती है। अब देखो 2/3 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो ये संभव है। अब इसके आगे क्या दे रखा है, -1.5, तो माइनस में कभी भी प्रायिकता की वैल्यू नहीं होती। 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच है। अब बात करें 15% की, तो 15/100, नीचे 2 0 है तो ऊपर क्या आएगा, दोनों जीरों को काटोगे तो 0.15, तो 0.15 ये भी 0 और 1 के बीच है, तो ये भी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, 0 से 1 के बीच ही घटना की प्रायिकता होती है, माइनस में कभी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती। इसके बाद अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो कि यदि आपको PE की वैल्यू दे रखी है और E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, किसी भी घटना के लिए उसकी घटित होने की प्रायिकता को PE कहते हैं और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को P-E कहते हैं, और दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है, PE की, PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05, और E नहीं को क्या ये कहते हैं, अपने इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, PE की जगह इसकी वैल्यू रख दी 0.05 प्लस P-E की वैल्यू ज्ञात करनी है, बराबर क्या आ जाएगा, 1। P-E इधर है, पड़ा है, बराबर 1 है, ये 0.05 है वो उधर की साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 में से अपने क्या कर देंगे, 0.05 को घटा देंगे 1 में से घटाओगे 0.05 को, तो क्या आएगा, जब घटाओगे तो आपको घटाना सभी को आता है, 10 में से 5 के 5 और 9.95 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.95, उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या आएगी अपने पास, E नहीं की
मान कितना आएगा 0.95। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक थैले में केवल नींबू की महकी मीठी गोलियां है, कि ये आपके पास थैला है इसके अंदर जितनी भी जो भी गोलियां है वो केवल क्या है नींबू की ही महक वाली गोलियां है। मालिनी क्या करती है थैले में झांकती नहीं है, मतलब हाथ ही डालती है, देख के गोली को निकालने का प्रयास नहीं करती, तो वो एक गोली निकालती है बिना थैले में जाके, वो क्या करती है गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकालेगी गोली संतरे की महक वाली हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो गोली है वो केवल नींबू के महक वाली है, कौन सी है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि केवल नींबू के महक वाली है, तो संतरे की महक वाली गोली का के लिए गोली निकालने की कोई प्रायिकता हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, यह घटना क्या है असंभव है, यह घटना क्या है असंभव है, और इसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। और नींबू के महक वाली गोली निकालेगी तो अकेली है ही नींबू के महक वाली गोलियां अंदर, तो इस घटना को क्या कहेंगे निश्चित घटना कहेंगे, और इसकी प्रायिकता जब वो घटना निश्चित है श्योर है कि जब सारी गोलियां ही नींबू के महक वाली है और उसी में से उसने क्या करना है एक गोली निकालनी है और वो कौन सी नींबू के महक वाली, तो वही निकलेगी, जब है ही नहीं कोई और प्रकार की तो गोली, तो घटना कौन सी होगी निश्चित, और इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी। तो ये आपका जो 6 तक की जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में किए, आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।